राजस्थान की हुनरबाज फेक है। वहां पर सब कुछ पहले से सिलेक्टेड होता है, सब नकली है। दोस्तों, राजस्थान के हुनरबाज के बारे में ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में आज भी हैं। आज मैं आपके लिए उन सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं भी राजस्थान के हुनरबाज का सेमीफाइनलिस्ट रह चुका हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूं और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपकी फरमाइश के आधार पर कुछ सवाल अपनी कॉपी में लिख लिए हैं और मैं बारी बारी से उनको पढ़ता हूँ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बताएंगे, सबसे पहला सवाल, राजस्थान की हुनरबाज क्या है? कई लोग नहीं जानते, कई लोगों को अभी कंफ्यूजन है कि राजस्थान की हुनरबाज क्या है। दूसरा सवाल, इसके अंदर कैसे जा सकते हैं? तीसरा सवाल, इसमें कितने राउंड होते हैं? चौथा सवाल, जीतने वाले को क्या मिलता है? और पांचवा सवाल है, क्या यह फेक होता है? क्या कंटेस्टेंट पहले से सिलेक्टेड होते हैं? और आखिर में दिखाऊंगा मैं अपना सेमीफाइनल का प्रूफ कि मुझे क्या क्या मिला, वहाँ पर जाने पर क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है, और जो मिलता है उसकी प्राइस रेंज क्या होती है, कितने रुपए का होता है, और आप कैसे जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल का जवाब हम देते हैं। सबसे पहला सवाल है, राजस्थान का हुनरबाज क्या है? तो राजस्थान के हुनरबाज एक रियलिटी शो की तरह ही है, जहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी होती है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कॉमेडी। जिसका भी जो भी हुनर है वो उस हुनर में पार्टिसिपेट करके अपना हुनर दिखा सकता है। दूसरा सवाल है, इसके अंदर कैसे जा सकते हैं? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसकी जो ऑफिशियल दैनिक भास्कर की वेबसाइट होती है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप अपना वीडियो अपलोड कीजिए। उसके बाद जब आपका वीडियो सेलेक्ट हो जाता है तो आपको मैसेज या फ़ोन किया जाता है और ऑडिशन की जगह बता दी जाती है। तो आप आसानी से जाकर वहाँ पर अपना आईडी ले जाके सब कुछ बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा सवाल है, इसमें कितने राउंड होते हैं? आपको बता दूं कि इसमें टोटल 4 राउंड होते हैं। जब आप ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते हैं तो वह पहला राउंड होता है, उसको स्क्रीनिंग राउंड कहते हैं। इसके बाद जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद दूसरा राउंड होता है, जिसको हम क्वार्टर फाइनल कहते हैं। अगर आप क्वार्टर फाइनल में सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद होता है सेमीफाइनल, और अगर सेमीफाइनल में सेलेक्ट हो जाते हो तो इसके बाद होता है ग्रैंड फिनाले। इस प्रकार इसमें 4 राउंड होते हैं, पहला स्क्रीनिंग राउंड, दूसरा क्वार्टर राउंड, इसके बाद सेमीफाइनल, इसके बाद ग्रैंड फिनाले। इस तरह से इसमें 4 राउंड होते हैं। चौथा सवाल है कि जीतने वालों को क्या मिलता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें जीतने वाले को 50,000 रुपये और साथ में रियलिटी शो में, किसी भी रियलिटी शो में डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जीतने वाले को 50,000 रुपये और किसी रियलिटी शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री का मौका मिलता है। पांचवा सवाल है कि क्या यह फेक होता है? क्या कंटेस्टेंट पहले से चुन लिए जाते हैं? दोस्तों देखिए, ये सवाल जो है, मेरे कई दोस्त थे जो मेरे साथ गए थे और उनका भी था। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि ये जो शो होता है ये बिल्कुल जेन्यून शो है, यहाँ पर पैसे लेके कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर जो जज आते हैं वो यहाँ से उठाए हुए होते हैं, मतलब मान लो अगर सिंगिंग का ऑडिशन चल रहा है, मतलब सिंगिंग का राउंड है, तो वहाँ पर आसपास के जो दिग्गज महारथी जो सर हैं, जो आसपास के कॉलेज से ले लिए जाते हैं और वही जो है इसके अंदर जज करते हैं। तो कोई दूर, ज़्यादा दूर से नहीं आते हैं जज करने के लिए, वो पास से ही आते हैं। अब दोस्तों, बात आती है मेरी कि मैं सेमीफाइनल तक पहुँचा और मुझे आखिर क्या क्या मिला। दोस्तों, आपको बता दूँ कि जब मैं स्क्रीनिंग राउंड से सेलेक्ट हो गए क्वार्टर फाइनल में गया, तो वहाँ पर एक बैग दिया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं, ये राजस्थान के हुनरबाज का बैग है, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं है इस बैग की, ज़्यादा ख़राब क्वालिटी भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि जो गिफ्ट होता है उसकी कोई क्वालिटी देखी नहीं जाती है, वो सिर्फ हुनर के लिए दिया जाता है। तो आप लोगों को कोई डाउट ना हो, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर इस ये जो बैग है इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप मार्केट में लो तो ये आपको मेरे हिसाब से 200-250 में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों हुनर के लिए दिया जाता है, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं होती है, अमूल्य होता है। और आपको बता दूँ कि सेमीफाइनल का जो प्राइस है वो करीब सेमीफाइनल राउंड के
एक महीने बाद दिया गया है। दोस्तों मैं पहले इसको बना देता लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता था कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। दोस्तों सेमीफाइनल वाले कंटेस्टेंट को ये वाली वॉच मिलती है, आप देखिए इस वॉच को। ये जो वॉच है जीआर डोने की वॉच है और इस पर करीब 8,500 रुपये की प्राइस टैग लगी हुई है। और जब मैंने इसको इंटरनेट पर सर्च किया तो इसकी कीमत करीब 4,000 रुपये के करीब है। और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह असली है या नकली है, अगर असली है तो इसकी कीमत लगभग 4,000 रुपये के करीब होगी। तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ और आपको सेमीफाइनल का प्रूफ भी दे चुका हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब से मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। खंभागणी, जय हिंद।